आप देख रहे हैं अपना समाचार। अभी हमारी फिल्म का मुहूर्त हुआ है जिसका नाम है नरसंहार, जिसके प्रोड्यूसर हैं संजय कुमार मिश्रा जी, को प्रोड्यूसर हैं नीरज कुमार मिश्रा जी। इसमें मैं लीड भूमिका में हूँ और सेकंड लीड में हमारे जितेंद्र भाई हैं, जो कि अभी पहली बार इस फिल्म से अपना एक शुरुआत करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है वो बेहतरीन ढंग से अपने आप को साबित करेंगे। और हमारी को स्टार आप लोगों को एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक फिल्म किया था बैरी कंगना 2, और अभी फिर से काफ़ी लोगों ने कहा कि इस जोड़ी को दोहराई जाए, तो उस हिसाब से हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर प्रदीप आर शर्मा जी हैं, जिन लोगों का विचार बना कि एक बार फिर से ये जोड़ी को लाया जाए, क्योंकि बैरी कंगना 2 में इन लोगों को काम बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों को कहानी सुनाई गई, अच्छा लगा और नाम इतना अच्छा है नरसंहार, तो तुरंत हाँ करना पड़ा। और बस दुआ करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा काम अच्छा लगे। जी रवि किशन जी तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई ही हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ सोलो हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है और एक छोटे भाई की तरह हमेशा समझाते रहे, हमेशा अच्छी अच्छी बारीकियों को बताते रहे कि देख काशिश ऐसा कर देगा तो तेरी लाइफ और अच्छी अभी जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा उनका उनका साथ बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, नरसंहार के लिए पूरी तैयार हैं हम। मेरे भाई जितेंद्र जी हैं, जो कि इसमें CBI इंस्पेक्टर की भूमिका में है, जो कि बहुत ही दमदार भूमिका है। चूँकि अभी स्टोरी तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरी और जितेंद्र भाई की जो एक इसमें केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, एक बेहतरीन आप लोगों के सामने कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को। प्रदीप शर्मा जी जी हाँ, प्रदीप आहर शर्मा जी बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। उनके संग अभी मैंने एक फिल्म किया रांझणा, तो जब उनके साथ काम किया तो पता चला कि नहीं, ये एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जो एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं प्रॉपर सीन को समझा के, और फिर उनका डायरेक्शन करने का अंदाज अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत कहा कि इस फिल्म को भी मैं करूँगा आपके संग। सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ त्रिशा खान, और आशीष के साथ मेरा ये सेकंड मूवी मैं कर रही हूँ। पहला मूवी था बैरी कंगना 2 एंड दिस वाज द सेकंड मूवी नरसंहार, सो आई एम एक्साइटेड। और इसका डायरेक्टर है प्रदीप शर्मा जी, उनके साथ पहली बार काम करूँगी, तो आई होप कि बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। एंड प्रोड्यूसर साहब है संजय मिश्रा जी, तो सबको मेरे तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं एंड गुड लक टू द एंटायर टीम। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी दोस्ती है, और हम लोगों ने बैरी कंगना 2 किया था तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, और ही इज़ वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छा सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं, सो नेक्स्ट में भी हम लोग मिलजुल के अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। कन्नौजिया जी हैं, पंडित सुभाष कन्नौजिया जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो कि बहुत ही पंडित शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब ही है एक महारत हासिल है उनको, बनारस के हैं और काम तो सब यही मुंबई में उनका हुआ है, और गाने बहुत ही आज के जो वल्गरिटी चल रही है उससे हट के आपको इसमें हिंदी भोजपुरी मिक्स सॉन्ग मिलेंगे, बहुत ही अच्छे सॉन्ग हैं। कितने गाने पे हूँ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ मुझे, पूरा गाने का अभी तक पता नहीं चला है, बट आई थिंक 2-3 गाने में, 7 गाने हैं। तो में होनी है 22
जनवरी से स्टार्ट होगी ये मूवी। और कितने गाने हैं फिल्म में? हैं टोटल अभी तक 7, लेकिन अभी मुझे लग रहा है किसी ने बताया 8 होने चाहिए, तो 8 गाने हैं। देखिए प्रोजेक्ट तो सभी अच्छा ही बोलते हैं और सभी अच्छा ही रहता है। मैं क्या बना के ले आऊँगा तो बताऊँगा आपको कि कैसा मैंने बना के लाया, मेकिंग क्या किया। नाम से आप जान ही रहे कि पिक्चर एकदम अच्छी है, एक्शन मूवी है, पारिवारिक है, लोगों को एंटरटेनमेंट करेगी और अच्छा है। तो पहले भी ये बताइए कि क्या पृष्ठभूमि रहेगी, किस क्या विषय दिखाने की कोशिश करेंगे? देखिए एक रियल घटने पर आधारित है। कुछ सोच है कि मतलब जो हुआ था वो उसी टाइप कुछ किया जाएगा, जो लोगों को वो दृश्य के गलत हुआ था वो दिखाया जाएगा, मतलब कैसे अच्छा हो सकता है। आपके जो कलाकार हैं एक और जी बैठे साथ में साथ, हाँ, और भी जो कलाकार हैं उनका चयन किया, उसके बारे में बताया कि जो लीड जो हीरो हैं उनके बारे में बताया कि एक्शन वगैरह। सर के साथ मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ, जैसे नाम सुने थे हम, आज मिले भी थे और नेचर में बहुत अच्छे हैं और पहली हमारी मुलाकात है। और जो लीड है आशीष सिंह बंटी, मैं इनके साथ फिल्म कर चुका हूँ और रांझा एक फिल्म कर चुका, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। जो हम हंसी मजाक में हम लोग काम ऐसे कर जाते थे कि हम पता नहीं चलता था कितना काम हो। तो आशीष जी में हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है काम करने का और अच्छा से निकल जाते हैं। देखिए 22 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, शूट के आने के बाद भी मैं आपसे मिलूँगा और शूट पे जाने से पहले ही मिलूंगा, तो कब रिलीज होगी मैं शूट करने के बाद ही बताऊंगा कि कब हम लोग रिलीज कर पाएंगे। फिर आपसे किरदार के विषय में बहुत कुछ नहीं बताया अभी, निर्देशक महोदय तो साथ में ही बैठे हैं तो इसलिए बहुत बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। निर्माता हमारे, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वो भी बनारस के हैं, तो एक ये बनारसीपन जुड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है इससे एक बेहतर फिल्म निकल के आएगी। प्रदीप जी और आप।